आज हम उन बहादुर महिलाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने अतीत में गु के लिए अधिकारियों को चुनौती दी थी। आज का विषय माचिस की तीली लड़कियों की हड़ताल है जो 1888 में हुई थी। 1888 की मैच गर्ल्स स्ट्राइक की कहानी सामूहिक कार्रवाई की शक्ति और दमनकारी कामकाजी परिस्थितियों के सामने न्याय की लड़ाई का एक प्रमाण है। यह पूर्वी लंदन के बोमे ब्रायंट और में मैच फैक्ट्री में काम करने वाली युवा महिलाओं और लड़कियों के संघर्ष और सारा चैपमैन और एनी बेसेंट जैसी हस्तियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के इर्द गिर्द घूमती है। ब्रायंट और में मैच फैक्ट्री अपनी कठोर कामकाजी परिस्थितियों के लिए कुख्यात थी। श्रमिक ज्यादातर युवा महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित परिस्थितियों में कम वेतन के लिए लंबे समय तक मेहनत करते हैं। वे जहरीले रसायनों विशेष रूप से सफेद फास्फोरस के संपर्क में थे जिससे फौसी जबड़े जैसी दुर्बल स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई। गंभीर परिस्थितियों के बावजूद श्रमिकों ने 1888 में एक महत्वपूर्ण क्षण तक चुपचाप सहन किया था। एक कर्मचारी को यह दावा करने वाले एक बयान पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के लिए बर्खास्त कर दिया गया था कि कारखाने में स्थितियां संतोषजनक थीं। इस घटना से श्रमिकों विशेषकर सारा चैपमैन में आक्रोश फैल गया जिन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया। सारा चैपमैन जिन्हें सारा गुडर के नाम से भी जाना जाता है मैच लड़कियों में एक अग्रणी हस्ती थीं। अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने बेहतर वेतन बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और सफेद फास्फोरस के उपयोग को समाप्त करने की मांग के लिए पत्रक प्रयास आयोजित किए और साथी श्रमिकों को संगठित किया। 2 जुलाई 1888 को लगभग 1400 मैच लड़कियां विरोध स्वरूप ब्रायंट और में फैक्ट्री से बाहर चली गईं। उनकी हड़ताल ने जनता और प्रेस का ध्यान खींचा जिसका श्रेय एक प्रमुख समाज सुधारक और कार्यकर्ता एनी बेसेंट के समर्थन को जाता है। एनी बेसेंट ने हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने समाचार पत्र द लिंक के माध्यम से उन्होंने कारखाने की भयावह स्थितियों को उजागर करने और मैच गर्ल्स के हित के लिए सार्वजनिक समर्थन जुटाने वाले लेख प्रकाशित किए। बेसेंट की वकालत ने जनता की राय जुटाने और कारखाने के मालिकों पर श्रमिकों की मांगों को पूरा करने के लिए दबाव डालने में मदद की। हड़ताल को जनता से व्यापक सहानुभूति और समर्थन प्राप्त हुआ जिससे हड़ताली कर्मचारियों के समर्थन में एकजुटता के प्रयास और धन जुटाने की पहल हुई। आखिरकार फैक्ट्री प्रबंधन ने श्रमिकों की मांगों के आगे घुटने टेक दिए और काम की परिस्थितियों में सुधार मजदूरी बढ़ाने और सफेद फास्फोरस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की। 1888 की मैच गर्ल्स स्ट्राइक यूनाइटेड किंगडम में श्रम अधिकारों और महिलाओं के अधिकारों के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। इसने दमनकारी कामकाजी परिस्थितियों को चुनौती देने में सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का प्रदर्शन किया और भविष्य के श्रम सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। सारा चैपमैन एनी बेसेंट और मैच लड़कियां स्वयं शोषण और अन्याय के सामने साहस और लचीलेपन का प्रतीक बन गईं। मैच गर्ल्स स्ट्राइक की कहानी अपने अधिकारों के लिए खड़े होने के महत्व और कार्यस्थल में सामाजिक न्याय के लिए स्थायी संघर्ष की याद दिलाती है। जिस दुनिया में आप रहते हैं उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।